फिर से आगे एक क्वेश्चन लेकर के जिसके अंदर क्या है 2.2 का पॉलीनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारा। और सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें x² - 2x - 8 = 0 दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने होते हैं। वैसे फैक्टर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट से भी किया जा सकते हैं और डी वाले फॉर्मूला भी होता है, 4 चैप्टर में जाके सीख पाता बच्चा, पर ये चैप्टर पहले आ जाता है इसलिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिट से करना पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी मिडिल टर्म स्प्लिट करना ही सिखाएंगे इसके अंदर, उसके बाद उसके इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस पूछे गए क्वेश्चन में, अगर पढ़ोगे तो क्या पूछा गया है नंबर ऑफ जीरोस क्या है और उसके जीरोस की जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है उसको वेरीफाई भी करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने, क्वाड्रेटिक की पहचान क्या होती है, पावर 2। क्या होती है पहचान, पावर 2 आई, सबसे बड़ी डिग्री जो होती है पावर 2 होती है। तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहला और आखिरी जो फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो आपको पहले a को c से मल्टीप्लाई करके देखना है, उससे आपके इसके फैक्टर मिलेंगे। तो 1 है इसका फैक्टर में और इसका 8 है भाई, तो 1 और 8 को कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना आया 8। तो अब आपको ऐसा नंबर सोचना है 2 से फैक्टर करके जिसका a भी आए मल्टीप्लाई करके। तो मैं अभी नॉर्मल बताता हूँ फिर आपको पूरे तरीके से बताऊंगा। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है भाई 8 है ना, और 4 में से 2 जाएगा कितना आएगा बेटा माइनस, पहले तो प्लस 2 आ गया हमें, या माइनस 2 पूछा लेकिन प्लस 2 निकाल लिया क्योंकि 4 में से 2 माइनस कर दिया। अगर मुझे माइनस में चाहिए और ये प्लस में आ गया तो साइन उल्टे कर दो सबके, अपने आप माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 होता है, तो ये फैक्टर्स क्या आ गए, क्योंकि फैक्टर ऐसे बचाए इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम बैठता फैक्टर होगा इसका। ठीक है, और इसका प्लस माइनस का वही नंबर आना चाहिए। अब कई बच्चों से ये काम भी नहीं हो पाता है, उसके लिए क्या करें, क्या इलाज है, उसके लिए सबसे बढ़िया इलाज है आप ये मत करिए, जो आपने 8 बन जाए 8 किया था और जो 8 आया था उसको उठा लो, उसके फैक्टर कर दो साइड में। ठीक है, फैक्टर कर लिए तो क्या है, इसके फैक्टर 2 2 2 तीन बार आ गए। अब इसी फैक्टरों में से आपको इसका फैक्टर मिल जाएगा 2 बार, इसी में से मिलेगा 100%। देखो आपको बता दूं पेयर भी आपको 2 ही बनाने हैं इसके, और यहाँ फैक्टर 3, तो मैं एक काम करता हूँ ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मुझे कितना हो गया 4 और ये 2 अकेला रह गया, ये हो गया 2, 4 में से 2 गया तो कितना है बेटा 2, ये बन गया 2 बेटा। और हमें माइनस बनाने के लिए मैंने बताया था क्या कर दो साइन उल्टे कर दीजिए, अपना माइनस 2 आ जाएगा। तो ये प्रोसेस सबसे बेस्ट रहेगा, बड़े से बड़े फैक्टर भी होंगे आपको वो निकाल के दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटे नंबर में फिर भी काम चल जाता, बड़े नंबर में फेल हो जाएगा आपका क्योंकि आप अपना सोच नहीं पाएंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप इस काम को कर लीजिए कि मल्टीप्लाई करो दोनों पर, पहले और आखिरी नंबर को इसकी इक्वेशन के हिसाब से और उसके बाद फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, चलो फिलहाल तो फैक्टर मिल गया -4 और +2, तो मैं क्या करूंगा इसको 2 को माइनस वाले को तोड़ दूंगा और 1x² ऐसे रहेगा और माइनस का 8 भी ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ बीच के 2 है। तो सबसे पहले तो बड़ा क्या आएगा बेटा -2x और दूसरा +2 है, तो +2x लेना है। बच्चे प्लस माइनस का ध्यान नहीं देते हैं अपनी मर्जी, तो माइनस भी ले लेते हैं और वापस नहीं देखते, आप ही नहीं आता वापस चेक कर लो भाई -4 + 2 वापस आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है, तभी इसको अप्लाई करो। अब इसके बाद इसे कर देंगे फैक्टर करके कॉमन, तो कई बच्चे तो इसे डायरेक्ट नहीं निकाल लेते, कई बच्चों से शायद ये नहीं भी आता फैक्टर करना, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका मैं दिखाऊंगा, छोटे छोटे फैक्टर करने आपको फिर निकल जाएगा। तो पहले इस x² पे फैक्टर कर लो बेटा x * x, ठीक है, और इस 4 के 4x के फैक्टर कर लो, छोटे छोटे फैक्टर करना है 2 * 2 * x, तो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है x, आ क्या है x कॉमन निकाल दो। अब पहले वाले में क्या बचा, बाहर x बच गया और इसमें 2 दिया 4 बच गया भाई, क्या बच गया 4, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा और प्लस है तो प्लस आएगा। अब इन दोनों के फैक्टर भी ऐसे करो 2 * x और 8 के फैक्टर कर दो 2 * 2 * 2, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको 2 निकाल लो, लेकिन इसके आगे भी कोई साइन आएगा। ठीक है, आगे से हमें साइन क्या आएगा प्लस ही आएगा, 2 साइन होगा यही आएगा, पहले 2 साइन सेम आते हैं तीसरे की कोई गारंटी नहीं, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, बचा क्या है x ले लो और पिछले वाले में क्या बचा 4 ले लो और बीच में क्या आ जाएगा माइनस, अब आपको सर माइनस कैसे लेंगे यहाँ पे, अब बता दूं यहाँ पे ये वाला साइन नहीं लिया मैंने बेटा, पहला साइन सेम लिया है, दूसरा सेम लिया, तीसरा नहीं लिया, तीसरा लिया तो पहले वाले का साइन क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन भी प्लस निकाला, प्लस निकालने पे अंदर के साइन चेंज नहीं होते, अगर माइनस निकाला होता तो ये साइन चेंज हो जाता, इसलिए हमें याद रखना है पहले जो थर्ड साइन है उसको इसके हिसाब से नहीं लेना, जो फर्स्ट साइन है वही लेना और वही आएगा। ठीक है, क्लियर है, तो = 0, बस आप इसको सॉल्व कर लो, एक बार x - 4 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अब इन दोनों में से कॉमन निकालने एक तरह से जो पता नहीं होता सीधा लिख लेते हैं, 2 का 1 हो गया, 1 क्यों हुआ, इन दोनों में से भी कॉमन निकला,
अब इधर से x बच गया, उधर से 2 बच गया, और इक्वल टू 0। बस अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इसके बाद x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल कर दो, दोनों क्या कर दो 0 के इक्वल। तो x इक्वल टू 0 प्लस 4 हो गया अगर आकर कितना, क्योंकि माइनस वाली चीज दूसरी तरह की होती है प्लस हो जाती है, और ये प्लस वाली है उधर जाके आ जाएगी माइनस 0 माइनस 2। तो ये x इक्वल टू माइनस 2 आ गया और x इक्वल टू 4 आ गया। ये दोनों वाले जो x रहे हैं, पहले वाले को आप अल्फा मान लीजिए 0 के अंदर और इसको बीटा मान लीजिए, ठीक है। आगे चल के वेरिफिकेशन भी करनी है, उसके लिए आपको ये अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला समझते हैं, सबसे पहले क्या होता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, सम ऑफ जीरो। इसका फॉर्मूला था माइनस बी अपॉन ए, ए भी यहां से निकलेगा, वो यहां से निकलेगा शुरू से, उस ढंग से अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, क्या होता है अल्फा बीटा सी अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो है सम ऑफ जीरो है, दोनों के लिए फॉर्मूला है। अब इसके बेस पर हम इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे, उससे पहले ए बी ढूंढ लेंगे। इसमें क्या है, अब हमें ए बी सी चाहिए इधर के लिए भी, तो ये फॉर्म हमारी इक्वेशन की थी और ये फॉर्मूला है बड़ा इसका पार्ट इक्वेशन का। तो ए की जगह बना रहा भाई, देखो एक्स स्क्वायर है, ए की जगह क्या गया बना गया, और बी की वैल्यू कितनी आ रही बेटा माइनस 2 है, माइनस का भी ध्यान रखना है, बच्चे माइनस छोड़ देते हैं, और सी की वैल्यू माइनस 8 आ रही, तो माइनस का भी बड़ा ध्यान रखना है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 2 है, सी की वैल्यू माइनस 8 है भाई, तीनों मिल गए ए बी सी, अल्फा बीटा आपको यहाँ मिल गया था एक्स से, तो उठा के बस इसमें वेरीफाई करना है आपको। चलिए वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा 4 और माइनस 2 है भाई, एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं, नहीं करते हैं, अल्फा हो गया 4, बीटा हो गया माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4 मिलेगा, फिर बी और ए रखना, बी है माइनस 2, माइनस 2 बी है 1, और ये माइनस 4 मिलेगा, ध्यान रखना कि बच्चे क्या करते हैं ए की माइनस लगाते हैं, तो उसका सही हो गया, गलत हो जाता था। और अपॉन में ए, ए कितना मेरे पास बेटा 1 है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, देखते बराबर आ रहा नहीं आ रहा, तो 4 प्लस माइनस बेटा माइनस हो जाता है ना, जब दो साइन एक साथ होते हैं इसका तो मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 4 माइनस 2 कितना हो गया बेटा 2, और ये माइनस माइनस प्लस 2, और 2 को 1 से डिवाइड करो 2 आ जाएगा, ये इक्वल आ गया। इसी प्रकार अल्फा बीटा वाला करते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए भाई। तो अल्फा बीटा में हम पहले से इनकी वैल्यू रख देते हैं, अल्फा 4 है, बीटा माइनस माइनस 2 बेटा, और ये दोनों मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट बेटा इक्वल टू सी, सी इक्वल टू माइनस 8 अपॉन में ए 1 है। अब दोनों को साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इधर हो गया माइनस 8 और उधर माइनस 8, दोनों इक्वल आ गए, तो प्रूफ हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, क्योंकि हमने पहले जीरोस भी निकाल लिए और उसके बाद उन दोनों को वेरीफाई भी कर लिया, फॉर्मूला से क्लियर है, कंप्लीट है भाई। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, डाउट हो तो क्लियर है, ठीक है। चलिए भाई अब आ गए फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ, फिर से एक पार्ट इक्वेशन दी है, सेम वही काम करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। इसके सबसे पहले हमने फैक्टर निकाल लिए और फैक्टर निकालने का जीरोस भी लेते हैं, जीरोस के बाद हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई। तो सबसे पहले 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 दिया इक्वल टू 0 के, अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं, रिटर्न टर्म स्प्लिट करने मैंने को आता था, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका बताया क्या, ये फॉर्म होती है as स्क्वायर प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0। जैसे x तो होता है x की जगह s दे दिया वेरिएबल, उससे वेरिएबल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, x की जगह s मान लिया दिखता है। और उसके बाद ध्यान से देखो, पहला और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करना होता है a को c से मल्टीप्लाई करना, तो 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होता है बेटा 4 ही तो होता है, 4 के फैक्टर कर लेते हैं, इसके फैक्टर में से ही आपका फैक्टर रिटर्न शुड मिल जाएगा, जो ये 4 के टुकड़े करने हैं वो इसी फैक्टर में से मिल जाएंगे आप। तो 2 और 2 और चाहिए 4, साफ दिख रहा है 2 प्लस 2 कितना होता है बेटे 4, लेकिन ये कह रहा है माइनस 4, हमने निकाल दिया प्लस 4, क्या करो प्लस वालों को बना दो सबको माइनस, तो ये अपने आप आगे माइनस माइनस प्लस होकर माइनस 4 आ गया ना, आ गया। तो आपको पहले प्लस निकाल लेना, बाद में चेंज कर देना है, तो ऑटोमेटिक वो माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके टुकड़े कर दो माइनस 2 माइनस 2 में, इस वाले एस के टुकड़े करने हैं माइनस 2 एस माइनस 2 एस। सबसे पहले 4 एस स्क्वायर ऐसी रहने दो, माइनस 2 एस प्लस 1, क्योंकि हमने माइनस 4 के टुकड़े क्या करते थे इसमें किए हैं माइनस 2 माइनस 2 में, ठीक है, इसमें किए हैं माइनस 2 माइनस 2, देखो चेक कर लो ऐसे, तो ऐसे भी लगाने कभी आप माइनस 2 माइनस 2 लिख दो, एस छोड़ दो कभी, कई बच्चे ऐसे भी गलती कर देते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, मैंने पहले बताया था कई बच्चों को डायरेक्ट आता है निकाल लेना, और जिनको डायरेक्ट नहीं आता उनके लिए मुझसे बताएंगे अपना तरीका फिर से। तो 4 एस दिया हुआ था स्क्वायर में, 2 इंटू एस इंटू एस लिख लीजिए, फिर 2 एस दिया हुआ अगले वाला, तो 2 इंटू एस लिख लीजिए, तो 2 भी कॉमन आ रहा है, 1 एस भी कॉमन आ रहा है, तो 2 और एस दोनों में से आ गया कॉमन। अब इसमें बच गया 2s पहले वाले में, तो लेकिन पीछे वाले में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ नहीं दिखता, तो कम से कम 1 जरूर बचेगा, 1 फैक्टर में मल्टीप्लाई में ले सकते हैं आप, तो 1 ले लीजिए, और माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, सेकंड साइन भी माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस,
दो साइन सेम आएंगे थर्ड की गारंटी में। अब इन दोनों का फैक्टर कर लेते हैं तो इसका टू इन टू एस और इसका वन, तो ये तो बेटा कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने आपको बताया वन आप कहीं भी ले सकते हैं मर्जी से और फिर कॉमन निकाल सकते हो, तो कम से कम कॉमन वन तो आता ही है। अब इधर क्या बच गया टू एस, इधर फिर नहीं बच रहा तो अपनी बच्चे पर लगा लो वन इंटू वन बनी तो होता है, तो यहाँ पे बनी। अब प्लस लगाऊ की माइनस लगाऊ, बेटा जो फर्स्ट साइन आएगा वही थर्ड साइन आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे साइन भी कॉमन निकालते हैं, आपने यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला है, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हो गया अगर मल्टीप्लाई करो तभी आएगा, क्लियर हो गया, तो यहाँ माइनस भी कॉमन आता है इसलिए साइन चेंज हो जाता है। आप ऐसे याद कर लेंगे बस, जो फर्स्ट साइन आएगा तो तीसरा साइन आएगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे आएंगे, इसलिए एक जैसा आना कंपलसरी तभी आगे बढ़ सकता है। तो देखो ये दोनों में से इसमें से इससे 2s माइनस 1 सेम आ रहा है, कॉमन निकाल लो, निकाल लिया इधर से 2s बच गया उधर से माइनस 1 बच गया, बस अब दोनों को जीरो कैंसिल कर दो दोनों की s की वैल्यू निकल जाए। चल देखिए आगे अब क्या करना है, 2s माइनस 1 2s माइनस 1 को जीरो कैंसिल करना है, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो पहले माइनस 1 उधर जाके आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2s इक्वल टू 0 प्लस, तो 2s इक्वल टू हो गया 1, क्या हो गया बेटे पहले वाले को अल्फा मान लो और दूसरे वाले को बीटा, और फिर वेरिफिकेशन कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, अल्फा बीटा तो हमको मिल गया बेटा बी और ए हमें यहाँ से मिलेगा बेटा, तो देखो ए क्या बन गया बेटा मेरा 4 क्योंकि एस स्क्वायर एस स्क्वायर है, बी क्या बन गया बेटा माइनस 4 एस एस है, सी क्या बन गया बेटा 1, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ ऐसे ए इक्वल टू हो गया 4 बी इक्वल टू हो गया माइनस 4 सी इक्वल टू 1, तो ए बी सी मुझे मिल गया है अल्फा बीटा मिल गया, वेरिफिकेशन मैं कर सकता हूँ। चलिए आगे अल्फा और बीटा के लिए मैं रख देता हूँ 1/2 1/2 इस साइड, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू बी अपॉन ए, लेकिन माइनस पहले बाहर लगा लो, बी मेरे पास वो भी माइनस का है तो वो भी माइनस लगा बेटे, और ए मेरे पास 4 है बटे में 4 का, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, लेकिन इतना का हुआ एल स्क्वायर, तो 2 और 2 दोनों में है, नीचे जब सेम होता है तो ऊपर भी क्या आता है बेटा सेम ही आता है, ऐसा मतलब बड़े तरीका है, और ये तो माइनस माइनस प्लस 1 बन गया कि नीचे कट चुका है, और 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2 2/2 और इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1, और ये कट गया 1, दोनों बराबर आ चुके, अल्फा बीटा मेरा वेरीफाई हो गया। दूसरी वेरिफिकेशन होती है बेटा अल्फा * बीटा c / a, तो अल्फा बीटा मेरे पास था 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, c और a क्या है बेटा c मेरे पास था बेटा 1 और a मेरे पास कितना है 4, और 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो 1/4 इक्वल टू 1/4 प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS कंप्लीट है भाई, किसी को डाउट तो नहीं भाई, क्लियर बच्चों। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट, इसमें एक प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, ये फॉर्म ना अरेंज नहीं हुई हुई है, पहले अरेंज करना होगा, अगर अरेंज नहीं करा तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे, 6 7 42 कर देंगे, फैक्टर्स करने लग जाएंगे, फैक्टर्स के होंगे ही नहीं, पहले फॉर्म मिलाओ, फॉर्म क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म में है कान x वाला तो सेकंड नंबर पे इसकी पावर 1 है और ये पीछे है लास्ट में, तो इसे पहले आगे लाइए, तो 6x की स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, अब ये अपनी फॉर्म में आया था, और मैं एबीसी भी पहले निकाल देता हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था जरूरत पड़ती लास्ट में, एबीसी के एलिमेंट को मिल गया यहाँ से, तो ए की वैल्यू बेटा 6, बी की वैल्यू बेटा हमारे पास माइनस 7 है भाई, और सी की वैल्यू बेटा माइनस 3, माइनस मत छोड़ देना बेटा, माइनस छोड़ दे गलत हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे माइनस छोड़ देते हैं भूल जाते गलत कर देते, तो एबीसी निकाल लिया आगे के लिए, अभी फिलहाल हमें क्या करना है फैक्टर करना है इसका 6x2 - 7x - 3, दोबारा लिख लेता हूं क्लियर करने के लिए, तो इसके फैक्टर करने के लिए क्या करना होगा 6 और 3 को मल्टीप्लाई करना, तो 6 3 जा कितना होता है बेटा मेरे पास 18, 18 के कर लीजिए फैक्टर, 2 पर गया 9, 3 पर गया 3, 3 पर गया और 1, तो अगर ध्यान से देखें मुझे चाहिए 7 और इस तरीके से टुकड़े करने हैं, अगर मैं 2 और 3 6 2 2 3 6 plus 3 9 हो गया तो 7 नहीं आ रहा, ऐसा भी तो सकता है 3 3 9 और अकेले 2 ले लूं 9 में से 2 माइनस करो 7 आ गया, तो ये आ गया, लेकिन ये तो प्लस 7 है वो कह रहा माइनस 7, तो माइनस 7 के लिए क्या होता था साइन उल्टे दो पलट दो माइनस का प्लस कर दो प्लस का माइनस, तो अपने आप आ जाएगा माइनस 7 प्लस 2 माइनस 7 ही होता है, तो मैं इसके फैक्टर क्या करूंगा बेटा माइनस 9 और प्लस 2 x में, तो 6x2 ऐसी रहा माइनस 9x आ गया 7 का और 2 आ गया प्लस का 7x का, इन दोनों टुकड़े हो गया और माइनस 3 इक्वल टू 0, अब इन दोनों से फैक्टर कॉमन निकालो, इन दोनों तो 2 2 के फैक्टर ही निकालना पड़ेगा, तो 6x स्क्वायर का फैक्टर कर लो बेटा पहले 2 * 3 6 होता है, फिर x में बिल्कुल स्मॉलेस्ट फैक्टर करने हैं आपको जिनको नहीं आता 9 के, तो 9 के 3 * 3 x,
एक एक्स कॉमन दिखाई देगा आपको, एक थ्री कॉमन दिखाई देगा, तो जो जो कॉमन दे देगा वो बाहर आ जाएगा, थ्री एक्स कॉमन आ गया तो टू एक्स इसमें बच गया बेटे, फाइव से थ्री बच गया बेटा और माइनस, ठीक है माइनस है तो माइनस है और दूसरा साइन प्लस है तो प्लस है। अब इन दोनों का वेक्टर करते हैं तो टू इंटू एक्स और थ्री, तो इसमें कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा तो दोनों में वन लगा दो अपनी पर से, तो वन कम से कम कॉमन में आएगा ही आएगा, तो वन आ गया बेटा, तो इधर से टू एक्स ही बच गया, जब वन कॉमन है तो सेम ही नंबर आ जाएगा और थ्री बच गया। आपको सर माइनस भी ले लिया वाला, ये वाला नहीं लिया तो बस जाएगा वही, क्योंकि हमने प्लस कॉमन निकाला है। अब इन दोनों में से कॉमन निकाले टू एक्स माइनस थ्री, इन दोनों में से टू एक्स माइनस थ्री कॉमन निकाल लिया और इधर क्या बच गया थ्री एक्स, उधर बच गया प्लस वन और दोनों किसके इक्वल जीरो के इक्वल, टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स इक्वल टू जीरो प्लस थ्री, क्योंकि माइनस वाले चित्र जाकर प्लस हो जाती है तो टू एक्स इक्वल टू थ्री, तो एक्स इक्वल टू थ्री बटे टू, तो इसके बाद थ्री एक्स प्लस वन को भी सॉल्व कर लो जीरो के इक्वल, थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स इक्वल टू जीरो माइनस वन, थ्री एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो x निकालना है तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड भेजना पड़ेगा मल्टीप्लाई से माइनस वन बाई, अल्फा मिल गया थ्री बाई टू और बीटा मिल गया बेटा करके माइनस वन बाई थ्री, बस अब वेरिफिकेशन कर रहे हैं इसकी, वेरिफिकेशन कर लेते हैं, अल्फा बीटा मिल चुका है भाई मुझे और एबीसी भी मिल चुका है, अब मुझे सिर्फ वेरिफिकेशन करना है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन, तो अल्फा बीटा मेरे पास कितना बेटा थ्री बाई टू प्लस माइनस वन बाई इक्वल टू माइनस फॉर्मूला पहले लगा दिया, बी के लू माइनस में तो भी माइनस में आएगा और ए के लू मेरे पास सिक्स है, क्या है ए के लू सिक्स, अब ये वाला तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, और एक और चीज प्लस माइनस माइनस होता है मैं एक काम करता हूँ ये हटाई देता हूँ और ये प्लस माइनस माइनस करके माइनस कर देता हूँ, इसका लेना एलसीएम, और एलसीएम लेने का तरीका जब अलग अलग नंबर टू थ्री से सिक्स मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों को और क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई मारते बस, तो थ्री थ्री से नाइन हो गया बेटे, टू बन जाए टू हो गया बीच में माइनस और ये माइनस माइनस प्लस का सेवन बाय सिक्स और 9 माइनस 2 कितना तो बेटा 7 बटे 6 इक्वल टू 7 बटे 6, अल्फा प्लस बीटा वाला प्रूफ हो गया एक बार, इसके बाद अल्फा इंटू बीटा वाला करते हैं, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a होता है, अब अल्फा बीटा अल्फा की वैल्यू 3 बाई 2 और बीटा की वैल्यू माइनस 1 बाई, c मेरे पास कितना बेटा कुछ भी माइनस 3 और a मेरे पास कितना बेटा 6 है, 3 से 3 कट गया और ये 3 से 6 कट गया 1 बाई, ये 1 और ये 1 तो 1 बन जा 1 हो गया माइनस का और 1 2 जा 2 हो गया बेटा मल्टीप्लाई और ये भी माइनस वन बैठे दोनों बराबर आ चुके हैं, LHS इक्वल टू क्या हो गया बेटा प्रूफ RHS, क्लियर है कंप्लीट है इसको डाउट नहीं होगा, क्लियर है clear. अब आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पर भाई, इसमें 4 u स्क्वायर प्लस 8 u प्लस इक्वल टू 0 रखा है, यहां पे अगर थर्ड पार्ट देखें तो आपको दिख रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है भले लेकिन पूरी फॉर्म नहीं है, अगर देखो a u स्क्वायर b u प्लस c इक्वल टू 0, यहां पे c वाला नंबर गायब है से इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं प्लस जीरो कर देता हूँ इक्वल टू जीरो कर, अगर ध्यान से देखो ये नंबर ही गायब है, ए यू स्क्वायर देखो यू स्क्वायर वाला दिख रहा है क्योंकि ए मुझे 4 मिल गया, बी मुझे 8 मिल गया, सी मेरे को 0 मिला है, जब मेरा सी 0 होगा तो अब मेरा फैक्टर मिडिल में स्प्लिट नहीं होगा, बीच वाले के टुकड़े नहीं करने, मेरे को बीच वाला है नहीं तो 2 ही जाएगा, चलिए ए हो गया हमारे पास बेटा क्वेश्चन में 4 और बी हो गया 8 और सी हो गया 0, जब सी गायब होता है तो मुझे दोनों में सिर्फ कॉमन निकालना है कि मिडिल टर्म का चक्कर खत्म हो गया, तो 4 u स्क्वायर और प्लस 8 u में इक्वल टू 0 में कॉमन निकालना है, तो फैक्टर कर लो सीधा 2 × 2 × u × u, ये 4 u के फैक्टर हो गए बेटे, 8 u के फैक्टर 2 × 2 × 2 × u, 3 2 आ गए आपके 8 के और u आ गया, तो देखो ध्यान से 2 2 कॉमन आ रहे हैं और 1 u आ रहा है, तो 4 u गेट टू जब 4 u कॉमन आ गया आपका, 4 u कॉमन निकाल दिया, इधर से क्या बचा एक यू बच गया, इधर से क्या बचा एक टू बचा बेटा और बीच में प्लस है तो प्लस आ रहा है इक्वल टू यू, अब एक ही बार 4 यू 0 को इक्वल कर दो और एक बार यू प्लस 2 को 0 को इक्वल कर दो, तो यू इक्वल टू 0 अपॉन 4 और यू इक्वल टू 0 माइनस 2 टू प्लस वाले से माइनस 2 और 0 को 4 से डिवाइड करके आएगा बेटा 0 ही आएगा और इसको माइनस करोगे तो 0 माइनस 2 माइनस 2 आएगा, ये 0 यू आ गया आपका माइनस 2 0, तो अल्फा हो गया एक 0 और बीटा हो गया एक माइनस 2, अब वेरिफिकेशन करते हैं सर, जैसे आप ये के लगाते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 और ये 4 के फैक्टर है, 4 का फैक्टर क्या होता है, नहीं तो इसमें u u के लगा दो बार u, एक बार u, जितनी बार होगा u उतनी बार आएगा ऐसे, क्लियर है, चलिए अब आ जाओ वेरिफिकेशन पे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन, अल्फा मेरे पास 0 है बीटा मेरा माइनस 2 है
माइनस फॉर्मूले का लगा दूं पहले, बी मेरा एट है प्लस का ए फोर है, ये कट गया बेटा तो ऊपर, और ये जीरो माइनस टू क्योंकि देखो प्लस माइनस क्या बन गया पहले टू माइनस, और जीरो माइनस टू कितना होता है बेटा माइनस टू ही होता है, और ये तो माइनस टू बटे वन माइनस टू हो जाएगा। ऐसी अल्फा इंटू बीटा सी एफ होने में अल्फा बीटा कितना बेटा जीरो इंटू माइनस टू, ये दोनों मल्टीप्लाई करके बेटा इक्वल टू सी, सी मेरे पास जीरो है भाई, ए कितना मेरे पास बेटा ए फोर है भाई, और जीरो किससे मल्टीप्लाई करो तो जीरो, जीरो को डिवाइड करो तो जीरो, दोनों बराबर आ गए, तो एलएचएस इक्वल टू बराबर टू बटे क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं टी स्क्वायर माइनस फिफ्टी इक्वल टू जीरो। इस बार फिर से एक चेंजेस किया इसने इक्वेशन में, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस बार बीच का ही नंबर गायब है, अगर मैं इस तरीके से लिखूं उसको प्लस जीरो टी माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस बार बेटा टी वाला गायब है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल किसका है सी का और टी स्क्वायर वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो गया वन, बी हो गया जीरो और सी हो गया माइनस वन, तो जब आपको ए बी सी मिलेगा ए वन बी जीरो सी माइनस फिफ्टीन, जब आपको ये बेटा बी वाला गायब होगा तो आपको अब ना तो फोर्थ मेथड जो फोर्थ क्वेश्चन करा था उस मेथड से करना है, ना आपको बीच के टुकड़े करने, तो ऐसा प्रोसेस दूसरा लगेगा, क्या लगेगा देखो टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन था इस मेथड को सीख लिया, अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, अगर ये क्वेश्चन में 16 होता तो आप क्या करते इसको 16 को 4 का स्क्वायर बना लेते, लेकिन ये तो क्वेश्चन में 15 दिया हुआ है, क्या दिया 15 इसको स्क्वायर कैसे करना है, जिसका स्क्वायर ना बने इस नंबर का उसको रूट लगा के स्क्वायर लगा दो, क्या लगा दो रूट लगा के स्क्वायर, 16 के लिए लगा सकता था 2 का स्क्वायर वो 4 का स्क्वायर, लेकिन 15 के लिए नहीं लगा सकता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा रूट लगा के स्क्वायर, जिसका रूट जिसका स्क्वायर नहीं होता उसको रूट लगा के स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला बन गया बेटा आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस, तो इसे मैं उस चीज खोलूंगा, एक बार टी रूट माइनस फिफ्टीन हो जाएगा, एक बार टी प्लस रूट फिफ्टीन इक्वल टू जीरो, फैक्टर आ गए सीधा सीधा, आप सीधा जीरो के इक्वल कर दो दोनों को, तो टी माइनस रूट फिफ्टीन इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू उधर जाकर जीरो प्लस रूट फिफ्टीन हो गया, और जीरो से प्लस करोगे तो क्या करना रूट फिफ्टीन जाएगा, तो टी के रूट आगे रूट, ऐसे ही टी प्लस रूट फिफ्टीन लेंगे बेटा इस बार, और उसको भी क्या कर देंगे जीरो के ऊपर, तो टी इक्वल टू माइनस रूट फिफ्टीन और जीरो माइनस रूट है, तो फिर मैं जीरो आगे से फिर से डाल दूंगा माइनस रूट फिफ्टीन आ जाएगा, तो ये दूसरा आ जाएगा, तो अल्फा मेरा हो गया बेटा रूट फिफ्टीन और बीटा मेरा हो गया बेटा माइनस रूट फिफ्टीन, और ए बी सी मैं निकाल चुका हूँ वेरीफाई कर लेते हैं, चलिए अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला था माइनस बी एफ होने वेरीफाई के लिए, अल्फा मेरे पास है रूट फिफ्टीन, बीटा मेरे पास है माइनस रूट फिफ्टीन, और इसमें मेरे पास b है जीरो और माइनस फॉर्मूले का a वन, अच्छा एक बात देखो प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस, तो मैं से डाल देता हूँ और इसे माइनस कर दे, और आपको पता है प्लस और माइनस का एक जैसा जब होता है रूट में और प्लस और माइनस का एक जैसा कोई नंबर होता है तो कट जाता है बेटा पूरा जीरो आ जाता है, और सामने तो जीरो है जीरो बच जाएगा तो भी जीरो माइनस कर जाएगी जीरो जीरो के बराबर होंगे, फिर अल्फा इन टू बीटा भी करो बेटे सी अपॉन ए, अल्फा मेरे पास था बेटे रूट फिफ्टीन मल्टीप्लाई में माइनस रूट फिफ्टीन, और सी मेरे पास कितना बेटे सी मेरे पास है माइनस फिफ्टीन भाई, और ए कितना मेरे पास बेटा वन है भाई, और रूट रूट एक जैसा होता है रूट हट जाता बेटा फिफ्टीन आ गया, और माइनस आएगा प्लस माइनस माइनस होता और इक्वल टू फिफ्टीन को वन से डिवाइड कर फिफ्टीन आएगा और माइनस बढ़ेगा तो माइनस आएगा ही, दोनों बराबर आ गए, तो एल एच एस इक्वल टू क्या बेटे आर एच एस, किसी को डाउट नहीं था, और इसके बाद एबीसी तो मिल गया, अब इसके फैक्टर कर लेते हैं 3x2 - 1x - 4 = 0, तो मुझे क्या करना है 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 12 आ गया, क्या आ गया 12 के करने फैक्टर 2 पर गया 6 2 पर गया 3 और 3 पर गया 1 भाई, अब मुझे लाना क्या बेटा 1 लाना है, क्या लाना है बीच के टुकड़े 1 के करने, तो 2 2 4 और 3 4 में 3 गया 1 आ गया बेटा, लेकिन माइनस 1 कह रहा है साइन प्लट दो इसके तो ये माइनस का वन हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस, तो माइनस फोर और थ्री इसके फैक्टर आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे इसके बेटा माइनस फोर और थ्री, तो थ्री एक्स स्क्वायर ऐसे क्या बेटे माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर जीरो,
पहला आखिरी सेम रहता है, बीच वाले को फैक्टर कर देता है, तो इसमें आया बेटा ठीक है क्लियर है। अब कॉमन निकाल दें दोनों ये वाला 3 ये से बीच वाले को माइनस करो 3 1 चाहिए ना बीच में ना, तो 4 माइनस का 3 प्लस ठीक है ना बेटा। चलिए इसके बाद देखिए कि फैक्टर कर लेते हैं 3 * x * x 4 के 2 * 2 * x क्या कॉमन आ रहा दोनों बेटे, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, क्या रहा है x, तो इधर से क्या बच गया 3x बच गया भाई, और नीचे क्या बच गया 2 * 4 तो यहां पे 4 बच गया, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इन दोनों में से देखते हैं बेटे तो 3 * x 2 * 2 कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा बेटा, तो मैंने कहा था 1 लगा लो फिर से कम से कम 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ले लेंगे पहला, और सेम 3x और 4 बच गया, तो 3x - 4 = 0। अब एक बार 3x - 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और इधर से x + 1 बच जाएगा, क्या बच जाएगा और इक्वल टू जीरो ठीक है। तो इसका 3x माइनस 4 को जीरो के इक्वल कर दो बेटे, तो 3x इक्वल टू जीरो प्लस 4 तो प्लस 3 4 हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे इसको तो 4 अपॉन 3 आ जाएगा आपका x। उसके बाद दूसरे वाला x प्लस 1 है इक्वल टू जीरो, तो उधर जाके 0 माइनस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 3x फिर माइनस 1, तो अल्फा बीटा आपको मिल गए हैं, तो अल्फा हो गया आपका 4 बाई 3 और बीटा हो गया आपका माइनस 1। एबीसी में निकाल चुका हूँ, बस वेरीफाई करते हैं आगे बेटा, तो अब वेरीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस में जब होने इसके देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा 4 बटा 3 और बीटा की वैल्यू कितनी माइनस माइनस 4 होगा, बी कितना बेटा मेरा माइनस 1 और ए कितना बेटा मेरे पास 3, तो इन दोनों का तो लेना पड़ेगा एलसीएम बेटा, तो मैंने बताया था 3 बटा 3 इसको इससे क्रॉस कर दो, 4 बटा 4 इसको इससे क्रॉस कर दो, माइनस का 4 माइनस का 3 3 बटा 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा 1 बाई 3 और 4 में से 3 के तो बेटा 1 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 3। अब अल्फा इंटू बीटा करते देता हूं, ये छोटे के आ गया ना माइनस के साइड, हां ये छोटे के आ गए 1 गया जो इधर है उधर वाले और उस साइड है माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है ये मल्टीप्लाई में, तो अल्फा इंटू बीटा होता है बेटा ये सी अपॉन ए, अल्फा मेरे पास था बेटा 4 बटे 3 और बीटा था माइनस और सी मेरे पास माइनस का 4 ए मेरे पास 3 है बेटा, तो ये मल्टीप्लाई कर दो 4 बन जाए 4 माइनस का और अपॉन में 3 ये भी माइनस का 4 बन जाए बराबर आ गया, एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया बेटा एलएचएस कंप्लीट बना ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट है पूरा बेटा ठीक है, क्लियर है कि सबको किस डाउट के बाद थैंक यू वेरी मच ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ठीक है।